बता दो भाई पढ़ी है कितनी बार इस्तेमाल करिए पैसा कमाने के लिए जीरो हैं कहां कॉस थीटा वो कॉस थीटा ढूंढो ना भाई जिसके लिए दिमाग खराब कर दिया क्या पढ़ाओ रद्दी पढ़ाओ जो बच्चों के काम नहीं आएगा जिंदगी मत पढ़ाओ तो हमारा सिलेबस क्या हो गया ऐसे हो गया अंग्रेजों ने क्या किया इस गुरुकुल कॉन्सेप्ट को खत्म किया और तीन चीजें डाली क्या डाला सबसे पहली चीज आपको कुछ भी बनना है आपको एक जैसा पढ़ना है दूसरी चीज डाली हर साल हर क्लास को पास करने के लिए आपको एक रिटर्न एग्जाम देना होगा रिटर्न एग्जाम इस रिटर्न एग्जाम की बहुत सारी कमियां हैं और लगभग दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में रिटर्न एग्जामिनेशन बैन है ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं रिटर्न नहीं होते क्योंकि इसकी कमियां हैं क्या क्या कमियां वैसे तो 30 से ज्यादा कमियां पर तीन बड़ी बड़ी कमियां सबसे पहले इसमें नकल होने की पूरी पूरी गुंजाइश है और अभी मैं तीन चार हफ्ते पहले देख रहा था बिहार में नकल हो रही थी ओ माय गॉड समझ नहीं आया कि नकल करने गए थे कि जिंदगी दांव पर लगाने गए थे और मैंने फिर उसको स्टडी किया ऐसा क्यों हो रहा तो पता चला कि बिहार का रिजल्ट 60-65% आता है हर साल एक बार पटना हाईकोर्ट ने कहा इस बार हम अपनी कंट्रोलिंग एग्जाम कराएंगे और नकल नहीं होने देंगे उस साल बिहार का रिजल्ट आया 12% हाईकोर्ट ने कहा छोड़ो यार करवा दो नकल होने की गुंजाइश है पूरी दूसरा किसी की हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है किसी बेकार हो सकती है ये तो कुदरत की देन है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं प्रोफेसर है कॉलेज का हो सकता है आपने से भी किसी ने प्रोफेसरशिप की हो पेपर चेक किए हो प्रोफेसर कहते हैं बताते हैं क्या जिनकी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी होती है उन्हें वो डेढ़ गुना ज्यादा नंबर देते हैं उन बच्चों से जिनकी हैंडराइटिंग खराब है मानो मेरी हैंडराइटिंग खराब है मेरे नंबर नहीं आएंगे सिस्टम में ये कमी तीसरा ड्रॉबैक क्या किसी की हैंडराइटिंग स्लो हो सकती है किसी की पास हो सकती है बराबर का नहीं मिलेगा 3 घंटे में ही पेपर करना है आप कहो सर मुझे पूरा पेपर आता है मैं चीटिंग नहीं करूंगा मैं पूरा पेपर अपने दिमाग से लिखूंगा मुझे 4 घंटे दे दो मिलेंगे 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता जब नॉलेज चेक करनी है तो क्यों नहीं मिलता क्योंकि नॉलेज चेक ही नहीं करती क्या करना है फेल करना और ये सिस्टम जो बनाया गया पहली बार हिंदुस्तान में सिस्टम आया 80% इंडियन स्टूडेंट फेल हो गए वो तैयार नहीं थे इसके लिए उनको तो मालूम था टीचर आएगा पूछेगा क्या क्या आता है बता दूंगा जो नहीं आता वो कहेगा सीखाओ 80% इन्वेस्टमेंट फेल हो गए और दोस्तों जो फेल हो गए उन्हें तो हम ये मान लेते हैं कि किसी काम का नहीं कुछ कर ही नहीं सकता माँ बाप परिवार के लोग अपना अड़ोस पड़ोस उसे गालियां देते हैं बुरा कहते हैं और पता है अंग्रेज यही काम पहले खुद किया करते थे फिर यही काम उन्होंने इंडियन से करवाया कि इंडियन इंडियन को गालियां दे बुरा कहते ये एजुकेशन सिस्टम सच में नहीं कामयाब मिला सकता और जहां मैं सर्वे करता हूं बातें करता हूं तो लोग कहते हैं सर बातें तो ठीक है तो पढ़ाई कहीं छोड़ दें नहीं